सबसे पहले डिस्क्लेमर, इस वीडियो के अंदर किसी भी प्लेटफॉर्म को प्रमोट नहीं कर रहा हूं मैं। दिस वीडियो इज फॉर इन्फॉर्मेशन पर्पस ओनली। मैंने इसको रिपोस्ट किया एडिट करके क्योंकि यूट्यूब की तरफ से डाउन हो गया था। अभी वीडियो को शुरू करते हैं। 8 मार्च को मैंने एक वीडियो अपलोड किया जिसमें साहिल खान का रियल फेस लोगों के सामने लाने की कोशिश की मैंने, और फॉर्चुनेटली लोगों ने उस वीडियो को देखा। 4 दिन में 4000 व्यूज आ गए उस पर, और मैं वीडियो के सेकेंड पार्ट पर काम करना चालू ही कर रहा था तभी मेरे वीडियो पर एक कॉमेंट आता है जिसमें मनोज वाकोड़े कहते हैं कि भाई मुझे आपसे बात करनी है, ये लोग अभी एक और बड़ा स्कैम कर रहे हैं। और जब मैंने इनसे इंस्टा पे बात की तो मुझे पता लगा कि साहिल इज इन्वॉल्व्ड इन ऑनलाइन बेटिंग, गैम्बलिंग एंड बुक मेकिंग बिजनेस। इस वीडियो को लास्ट तक देखना वरना मिसगाइड हो सकते हो। मेरा इनिशियली ये प्लान था कि साहिल पे 2 वीडियोस बनाऊंगा और आगे बढ़ जाऊंगा, लेकिन नाउ थिंग्स आर चेंज अ लिटिल। द मोर वी डाइव इनटू दीस थिंग्स द मोर वी गेट टू नो, और ऐसा ही सेम मेरे साथ हो रहा है। कुछ लोग इसको व्यूज मिल्किंग भी बोल सकते हैं, लेकिन अभी स्टार्ट कर दिया तो देखते हैं कहां तक चलता है। इसकी पूरी एक प्लेलिस्ट बना दी जाएगी। और हाँ, एक हम्बल रिक्वेस्ट है, अगर आप इस टॉपिक की वजह से सब्सक्राइब कर रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि आगे के प्लान्स और कंटेंट आइडियाज कुछ और हैं। मेनली हम लोग इस चैनल पे यूट्यूबर्स और सोशल मीडिया स्टार्स के बारे में बात करेंगे, ये कॉन्ट्रोवर्सीज के बारे में नहीं होगा चैनल। लेकिन अभी आने वाले कुछ वीडियोज में साहिल की ही बात होगी। नाउ बैक टू द वीडियो। साहिल खान इज ओपनली प्रमोटिंग ए स्पोर्ट्स बेटिंग प्लेटफॉर्म, और इसका प्रमोशन एक आईफोन गिव अवे के साथ किया जा रहा है। ऊपर जाइए, कॉल करिए, रजिस्टर करिए अपने आप को, और जिन लोगों को गेम्स खेलना है, अगर उनको गेम्स खेलना नहीं आता है तो कॉल करेंगे आप, तो आपको सिखाया जाएगा कि गेम्स खेलते कैसे हैं। और उनमें से जितने लोग रजिस्टर करेंगे, अपनी रसीद स्क्रीनशॉट आप लेंगे और उसके बाद आप टैग करेंगे हमें। आप सबके सामने मैं ऐसा कुछ करूंगा कि आपको चूज किया जाए, लेकिन आपको ये ना लगे कि हमने अपने दोस्तों को दिया है। सो ईमानदारी से आपके स्क्रीनशॉट्स को सेलेक्ट करेंगे और आप में से किसी एक को मिलेगा एक आईफोन, उसके बाद दूसरे को मिलेगा दूसरा आईफोन, और इसी तरह से कई हफ्ते तक हम लोग आईफोन दे रहे हैं। एंड इफ यू डोंट नो, नाउ यू नो। सबसे पहले जल्दी से ये बात करते हैं कि स्पोर्ट्स बुक होता क्या है और क्या ये लीगल भी है इंडिया में। आपने कभी ना कभी तो सुना होगा कि आईपीएल और वर्ल्ड कप के टाइम पे कई जगह पे रेड्स होती हैं और कुछ लोगों को पकड़ा जाता है। जिन लोगों को पकड़ा जाता है उन्हें बुकीज बोलते हैं, एंड दे आर द पीपल जो मैचेस पे बेट्स लगाते हैं। इन सिंपल वर्ड्स, वही लोग टीम्स पर सट्टे लगाते हैं। और साहिल खान जो बिजनेस प्रमोट कर रहा है वो सेम यही बिजनेस है, और वो ओपनली बोल रहा है कि आप वहां जाइए और गेम खेलिए। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि लोकल बुकीज को पुलिस पकड़ लेती है और यहाँ पे साहिल खुलेआम प्लेटफॉर्म्स को प्रमोट कर रहा है? इसका एक सबसे बड़ा रीजन ये है कि स्पोर्ट्स बुक वाला जो टॉपिक है वो कॉन्स्टिट्यूशन के एक ग्रे एरिया में आता है। बेटिंग, गैम्बलिंग और बुक मेकिंग के लिए इंडिया में एक ही सेंट्रल लॉ है, जो है पब्लिक गैम्बलिंग एक्ट ऑफ 1867। और ये एक्ट स्टेट करता है कि रनिंग और बीइंग इन चार्ज ऑफ अ पब्लिक गैम्बलिंग हाउस इज प्रोहिबिटेड, और इसकी पेनल्टी है 200 रुपए का फाइन और 3 महीने तक का इम्प्रिजनमेंट, जो कि बहुत ही लाइट होता है किसी बुकी के लिए, लेकिन स्टिल दिस थिंग इज इलीगल। इस लॉ के अंदर एक लूप होल है कि ये लॉ 1867 में ब्रिटिश रूलर्स ने लगाया था, और उस टाइम ऑब्वियसली इसके अंदर ऑनलाइन बेटिंग को शामिल नहीं किया गया। ये लॉ सिर्फ फिजिकल लोकेशंस के लिए वर्क करता है। एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट भी लगाया गया था ईयर 2000 में, एंड अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट द मेन मोटिव ऑफ आईटी एक्ट इज टू प्रोवाइड लीगल रिकॉग्निशन फॉर ट्रांजैक्शंस कैरीड आउट बाय मींस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज एंड अदर मींस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन कॉमनली नोन एज ई कॉमर्स। तो इस एक्ट के कारण जो भी बुकीज थे वो बहुत रिस्क पे होते थे कभी भी पकड़े जाने के, क्योंकि इस एक्ट की वजह से उनके ट्रांजैक्शंस को बहुत आसानी से ट्रैक किया जा सकता था। लेकिन जब से यूपीआई पेमेंट्स और फिनटेक की वेव आई है इंडिया में, बहुत आसान हो गया बुकमेकर्स के लिए सट्टा लगाना, क्योंकि आईटी एक्ट कहीं भी गैम्बलिंग को सीधे सीधे मेंशन भी नहीं करता है। ट्विस्ट ये है कि इंडिया के अंदर गैम्बलिंग इज सीन एज स्टेट मैटर, हर स्टेट में अलग अलग सेट ऑफ रूल्स हो सकते हैं इसको लेकर। 2017 में यूपी पुलिस ने वर्ल्ड कप के दौरान अपने ट्विटर हैंडल पे एक वीडियो पोस्ट किया, वो देखिए आप, फास्ट करके देख सकते हैं। इस वीडियो से एक चीज नोट करना कि यूपी के अंदर क्रिकेट बैटिंग इलीगल है, लेकिन अगर साहिल खान के दल अगर हम कोई बैट लगाते हैं तो वो ऑल ओवर इंडिया फंक्शन करती है। एक यूपी का लड़का आराम से इस पे बैट लगा सकता है। कर्नाटका में ऑनलाइन बैटिंग और गैम्बलिंग 100% बैन कर दी गई है, लेकिन जरिए आप खुल के बैट लगा सकते हो किसी भी स्पोर्ट में। तो साहिल ऐसा कर कैसे रहा है, कोई उसको रोक कैसे नहीं पा रहा है? इसके 2 रीजन हो सकते हैं। पहला तो कि साहिल को कोई डर नहीं है पकड़े जाने का उसके बड़े बड़े नेटवर्क्स के कारण। एक रूल के मुताबिक बुकी प्लेटफॉर्म अगर ऑफशोर बेस्ड है तो उस बिजनेस के ओनर्स या प्रोमोटर्स को पकड़े जाने के चांसेस ना के बराबर हो जाते हैं, क्योंकि इंडिया में लीगल पिक्चर बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। इंडिया में बहुत बड़े लेवल पे बैटिंग की जाती है विद अनलाइसेंस बुकमेकर्स। हर आईपीएल मैच में हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर्स की हेराफेरी होती है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट रिस्पॉन्सिबल ही नहीं है गैम्बलिंग के लिए। और इसी ग्रे जोन का फायदा उठा के साहिल खान ओपनली प्रमोट कर रहा है।
तो इंडियाज यूथ आइकन इज ओपनली आस्किंग हिज फैंस टू प्ले एंड विन इलीगली। मैं गैम्बलर नहीं, इन्वेस्टर, और मैं चाहता हूँ आप लोग भी इन्वेस्ट करना सीखें। तो आप भी किंग वाली लाइफ जीना चाहते हैं मेरी तरह, आइए और खेलिए। इंडिया की सबसे ज्यादा भरोसेमंद और जानी मानी बुक है। अब कुछ लोग ये बोल रहे होंगे कि ये सब हम लोग ड्रीम इलेवन पे भी कर सकते हैं और वो तो लीगल भी है। लेकिन रुको, एक कॉन्सेप्ट होता है गेम ऑफ चांस और गेम ऑफ स्किल का। इसके नाम से ही आपको समझ आ रहा होगा कि ये क्या है। और अभी इंडिया में ड्रीम इलेवन जैसे ऐप्स को लीगलाइज कर दिया गया है क्योंकि इनके अंदर जो भी गेम्स हैं वो गेम ऑफ स्किल के अंदर आते हैं। और गेम ऑफ स्किल इंडिया में लीगल है क्योंकि ये सिर्फ बैटिंग नहीं है, इसके अंदर प्लेयर्स के स्किल्स काम आती हैं, स्पोर्ट की प्रायर नॉलेज होनी चाहिए। लेकिन जो बुक वाला बिजनेस है ये प्योर गेम ऑफ चांस पे बेस्ड है जो कम्प्लीटली इलीगल है। लेकिन यहाँ के रूल्स में बहुत सारे फ्लोज हैं जिनकी वजह से ऐसे लोग खुल के इनको प्रमोट भी कर सकते हैं और इनको यूज भी कर सकते हैं।